संशोधन बिल के विरोध में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी को यूपी में पुलिस द्वारा रोकने के बाद बिहार किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने सुपौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। बिहार राज्य के किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झा ने बताया कि जब नागरिक संशोधन बिल के विरोध में मारे गए मृतक के परिजन से जब कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने जा रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यूपी के सीएम योगी की इस तरह की राजनीति बिहार किसान कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का पुतला दहन कर रहे हैं, इस लेकर के कि कल राहुल जी और प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश जा रहे थे आंदोलनकारी पर जो वहाँ पर अत्याचार हुआ यूपी में उनके घर वाले को सतावना देने के लिए, तो वहाँ पर यूपी पुलिस के द्वारा रोक दी गई। और जब वहाँ पर कि राहुल जी ने बोला कि मुझे आदेश दिखाइए, तो वहाँ आदेश नहीं दिखाए और वहाँ पर रोक लगा दी गई। क्या ये कौन सी राजनीति हो रही है? खुद तो अपने प्रदेश में योगी जी हत्या करा रहे हैं, अत्याचार करा रहे हैं, वहाँ पर जाकर के आम जनता को देखने तक के लिए नहीं जाते हैं। जब कांग्रेस के राहुल जी और आदर में प्रियंका जी जब देखने के लिए जाते हैं, तो क्यों रोक दी जाती है? क्यों ऐसी घिनौनी हरकत करती है योगी जी? अपनी घिनौनी हरकत बंद कर दें, क्योंकि अभी तो झारखंड बिहार हुआ है, उसके बाद दिल्ली बिहार होगी, उसके बाद बिहार बिहार होगी, ये तय है। और सरकार की अंततः है। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार झा, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट।